हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट करते हैं। सिंगल फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करते हैं वो होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P, R एंड T तीन अल्फाबेट्स हमने यूज किए हैं। P हम यूज करते हैं प्रिंसिपल के लिए, R हम यूज करते हैं रेट के लिए एंड T हम यूज करते हैं टाइम के लिए। प्रिंसिपल के लिए हम सम भी यूज करते हैं। इसमें सिंबल रुपी का हमेशा यूज होता है, रेट परसेंट, रेट के साथ हमेशा परसेंट का मार्क होगा एंड टाइम ईयर्स या मंथ्स में चल रहा होगा। सो गिवन क्वेश्चन में P, R एंड T की वैल्यूज पहचानना इजी हो जाएगा। एक और फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। A अमाउंट होता है जो हम वापस देते हैं, P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है जो हम रिसीव करते हैं, लेते हैं प्रिंसिपल एंड वापस देते हैं अमाउंट। हम किसी से कुछ पैसा लेकर वापस करते हुए उसे कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज हम उसे दे रहे हैं उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। सपोज तुमने अपने फ्रेंड से 500 रुपी लिए और उसे 550 रिटर्न किए, दैट मीन्स तुमने 50 रुपी एक्स्ट्रा रिटर्न किए। 500 जो लिए थे वो P कहलाएगा, दैट इज प्रिंसिपल। 550 जो रिटर्न कर रहे हैं उसे हम A से डिनोट करेंगे, अमाउंट। एंड ये 50 जो एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहे हैं इसे हम इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल इज फाइंड द SI एंड द अमाउंट ऑन ₹150। ₹150 जो यहाँ यूज हुआ है ये हमारा प्रिंसिपल है, सो P इज इक्वल्स टू 150 रुपी। फॉर 4 ईयर्स टाइम की यूनिट है ईयर्स, तो टाइम हमारा है 4 ईयर्स। एट 5% पर ईयर, परसेंट का साइन लगा है, परसेंट हमेशा रेट के साथ लगता है, सो रेट इज इक्वल्स टू 5%। अब ये तीनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI फाइंड करना है तो SI एज इट इज, P की वैल्यू 150 पुट कर रहे हैं, R की वैल्यू 5% मिली हुई है, 5% पुट करते हैं। परसेंट का 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है एंड टाइम इज 4 ईयर्स, तो T की जगह 4 पुट करते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स। 15 × 2 = 30, सो SI की वैल्यू हमारी आ गई 30। फर्दर हमसे पूछा गया है अमाउंट कितना होगा। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट हम वापस करते हैं जो हमने लिया होता है वो, और जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे होते हैं वो। सो प्रिंसिपल हम पुट कर सकते हैं 150, क्योंकि हमने 150 बोरो किए थे। एंड SI इंटरेस्ट जो हम उस पे कर रहे हैं वो हमने फाइंड आउट किया है 30। सो 150 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 180, तो अमाउंट जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो है 180। क्वेश्चंस में हमें हमेशा SI फाइंड करने को नहीं मिलता है, कई बार हमसे प्रिंसिपल, रेट या टाइम भी पूछा जाता है, तो हम इसी एक फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमसे P फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो P के लिए इस फॉर्मूले को ही रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। P इज इक्वल्स टू 100 SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, SI इंटू 100 अपॉन RT जो न्यूमरेटर में है राइट साइड, ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन RT। सिमिलरली अगर हमें किसी क्वेश्चन में R या T की वैल्यू फाइंड करनी है, R के लिए ट्राई करते हैं, तो इसी फॉर्मूले में अगेन चेंजेस होंगे। R इज इक्वल्स टू SI के पास 100 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, SI इंटू 100, और इस बार डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 जो न्यूमरेटर में रह गए हैं दैट इज P एंड T वो आ जाएंगे। सो SI इंटू 100 अपॉन PT। लास्ट केसेस में हो सकता है कि हमें टाइम फाइंड आउट करना हो, टाइम के लिए हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं,
टी इज इक्वल्स टू अगेन एस आई इंटू 100. इस बार जो रिमेनिंग टू रह गए हैं दैट इज पी एंड आर, वो डिनोमिनेटर आ जाएंगे. सो टी इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर. तो फॉर्मूला लर्न करना बहुत इजी है. जो भी फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड राइट साइड एस आई इंटू 100 अपॉन रिमेनिंग टू, अगर पी आर टी में से कोई फाइंड करना है. अगर ये तीनों फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर हम सिर्फ दो फॉर्मूले लर्न करके ही पूरा सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड नेक्स्ट है अमाउंट वाला दैट इज ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई. नाउ एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अगर एस आई फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट एज इट इज यूज कर सकते हैं. इस फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज पुट करके और अननोन को एक्स अज्यूम करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एस आई पी एंड आर की वैल्यूज गिवन है. एस आई 50, पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 400, रेट हम यूज कर रहे हैं 2%, परसेंट का 100 डिनोमिनेटर में, एंड टी हमें फाइंड करना है. तो अगर टी इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर लर्न नहीं हो रहा है तो इसी फॉर्मूले में टी की जगह हम एक्स पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली पी और आर के लिए भी हम इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. दूसरा है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई. इसमें तीन अलग अलग टर्म्स हमारे पास हैं, अमाउंट प्रिंसिपल एंड एस आई. इन तीनों में से किन्हीं भी दो की वैल्यू अगर गिवन होती है तो थर्ड को हम जो कि अननोन है उसको एक्स कंसिडर करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इस एक फॉर्मूले से हम इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इफ वैल्यूज ऑफ अदर टू आर गिवन.